नमस्ते, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं ग्लैक्सी गोब्स कक्षा नर्सरी की शिक्षिका। बच्चों, आज हमसे एक नया दोस्त मिलने वाला है। ये दोस्त बड़े दूर से हमसे मिलने आया है। ये दोस्त स्वरों की नगरी से हमसे मिलने आया है। तो आप मिलना चाहोगे उससे? ये है स्वर आ। ये है हमारा नया दोस्त जो हमसे स्वरों की नगरी से मिलने आया है। चलो आप सभी से नमस्ते कहिए। कहिए नमस्ते स्वर आ। बच्चों, ये है आ आ आरती। आ आ आरती। आरती एक बहुत ही प्यारी बच्ची है। वो बिल्कुल आप ही की तरह है। आरती पाठशाला में जाती है और खूब पढ़ाई करती है और घर के कामों में माता पिता का हाथ बटाती है। वह एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। वो बिल्कुल आपकी ही तरह है। बच्चों, ये है आरती के पिताजी। आरती के पिताजी एक किसान है। वे आम की खेती करते हैं। आ आ आम की खेती करते हैं। बच्चों, ये है आरती की माँ। आरती की माँ क्या कर रही है? आरती की माँ आ आ आटा गूंथ कर रोटियां बना रही है और आरती की माँ आ आ आलू की सब्जी भी बनाने वाली है, क्योंकि आरती अभी पाठशाला से लौट ही रही होगी और आरती के पिताजी खेतों से वापस आ रहे होंगे। उन्हें जोरों की भूख लगी होगी और उनके लिए ही आरती की माँ खाना बना रही है। ओहो, लेकिन ये क्या? आरती की माँ ने देखा कि चूल्हा जलाने के लिए लगने वाली लकड़ियां खत्म होने वाली है। बस दो तीन ही लकड़ियां बाकी है। अब उसने सोचा कि जब आरती के पिताजी घर वापस लौटेंगे, वो उन्हें जंगल से कुछ लकड़ियां लाने के लिए कहेंगी। जैसे ही आरती के पिताजी लौटते हैं, आरती की माताजी उनसे कहती है, सुनिए जी, चूल्हे की लकड़ियां खत्म हो चुकी है। आप कृपया करके जंगल से कुछ लकड़ियां ले आइए। आरती के पिताजी आ आ आरी लेकर जंगल में निकल जाते हैं लकड़ियां लाने के लिए। उनके साथ आरती भी उनके साथ जाती है। आरती के पिताजी आ आ आरी से लकड़ियां काट रहे ही होते हैं कि आरती जोर से चिल्लाती है, आ आ आग, पिताजी आ आ आग। आरती के पिताजी जैसे ही देखते हैं पलटकर, जंगल में आग लगी हुई होती है। आरती दौड़कर गांव की तरफ जाती है और गांव में सबसे कहती है कि जंगल में आ आ आग लगी हुई है, इसलिए गांव के लोग अग्निशमन दल को बुलवाते हैं और अग्निशमन दल के लोग आकर आग को बुझाते हैं। इस तरह आरती की सतर्कता के वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से टल जाती है। इसलिए गांव के लोग आरती को बहुत शाबाशी देते हैं और उसकी खूब वाहवाही करते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी स्वरा की कहानी? थी ना मजेदार? बच्चों, अभी हम स्वर आ के दोस्तों का फिर से पुनरीक्षण करेंगे। स्वर आ का दोस्त आलू। आ आ आलू। आ आ आलू। स्वर आ का दोस्त आटा। आ आ आटा। आ आ आटा। स्वर आ का दोस्त आम। आ आ आम। आ आ आम। स्वर आ की सहेली आग। आ आ आग। आ आ आग। स्वर आ की सहेली आरी। आ आ आरी। आ आ आरी। बच्चों, मैं फिर से हाजिर होंगी ऐसे ही किसी एक नए दोस्त के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा।
मैं गैलेक्सी गोप्स रिजॉयस इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।